हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सॉफ्टी और हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर रेसिपी का नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कैसे हम अपने पाइनएप्पल को पील करें और उसका कैसे हम जूस बनाएं। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक पाइनएप्पल, जिसका हमने ऊपर से सिरा पहले से ही कट कर लिया था, और अब हम इसका थोड़ा थोड़ा ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट कट करेंगे और उसके बाद हम इसको छील लेंगे। हम इसके दोनों साइड इसको निकाल लेने के बाद इसको पहले बीच से एकदम सीधे सीधे कट करेंगे। अभी हमारा पाइनएप्पल कच्चा है तो हम इसमें नमक डाल के इसका जूस बनाएंगे, जिससे खट्टा खट्टा और मस्त सा नमकीन सा हमारा बन के रेडी हो। तो इसके फिर हम बीच में जो थोड़ा सा कड़ा सा पार्ट होता है पहले उसको निकाल लेंगे कट करके। अब हम इसको ऊपर से भी दो भागों में कट कर देंगे और सेम ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी कट कर लेंगे और फिर इन सभी को लेकर छील लेंगे। आप इनको थोड़ा आराम से और ध्यान से कट करिएगा, क्योंकि इससे आपके हाथ में भी लग सकती है, तो आप थोड़ा आराम आराम से और ध्यान से कट करिएगा। इसके छिलके को निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप जल्दीबाजी मत करिएगा। इसके कांटों को ध्यान से अच्छे से निकाल लीजिएगा। आप थोड़ा तिरछा तिरछा कट करेंगे तो उसके कांटे बहुत आसानी से निकल जाएंगे, और अगर आप थोड़ा सीधा कट कर देते हो उसमें थोड़े से बच जाते हैं कांटे, तो आप उसमें थोड़ा सा नाइफ का अपने नोक निकाल लगा कर उसको निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमने अपने सारे पाइनएप्पल को छील लिया, तो अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे ये सारे कट हो गए। अब हम इसको अपने मिक्सिंग जार में डाल देंगे सारा, और फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमने जीरा नमक और सादा नमक ऐड किया है। फिर हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे और फिर से इसको अच्छे से इसका जूस बना लेंगे। ये देखिए हमारा जूस बन के बिल्कुल रेडी है, इसमें बहुत अच्छे से झाग भी आ गया है। अब हम इसको अपना ग्लास में निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे ताकि हमारा बिल्कुल ठंडा ठंडा रहे, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक इसके ऊपर से डाल देंगे।
इसके बाद हमने जो थोड़ा सा पाइनएप्पल बचा लिया था उससे हम थोड़ा सा इसको ऊपर से ग्लास में इसके लगा के इसको गार्निश करेंगे। तो बस ये देखिए हमारा पाइनएप्पल जूस बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करिए और पीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिए और अपने घर वालों को पिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।